नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल के अंदर चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। और आज शाम में कम्युनिटी बाजार के ऊपर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। अजय जी, सबसे पहले आपसे M6 कॉटन के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। M6 कॉटन में हमने देखा है कि जो प्राइसेज हैं वो 45,000 के बाद अब 46,000 के ऊपर कारोबार कर रही हैं, 46,600, 46,800। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से कभी भी शार्प करेक्शन बन सकती है या फिर जो प्राइसेज हैं अभी सीधा 50,000 की ओर ही जाएंगे? ठीक है, मुझे लगता है प्राइसेस में जो करेक्शन की हम उम्मीद रख रहे हैं वो स्विंग को देखते हुए रख रहे हैं कि प्राइसेस में स्विंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो प्राइसेस में कूल ऑफ आना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हम डिस्पैरिटी देखे, इंटरनेशनल में भी पोजीशन टाइट है, बैलेंस शीट टाइट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं डोमेस्टिक में वही सिनेरियो यहाँ पे भी है। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मटेरियल बड़ा फॉल हम क्वार्टर में देखे। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमने पिछले महीने देखा गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर एक्शन लिया तो थोड़ा सेंटिमेंटल फॉल जरूर आया था, बट इंटरनेशनल में तेजी के कारण वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दिया। तो वैसा कोई सपोर्ट, ऐसा कोई न्यूज अगर आता है तो फिर भी थोड़ा पुलबैक मिल जाए, बट दैट डजंट मीन्स के मार्केट डाउन रहेंगे। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि 48,500 तक का लेवल हम इसमें देख पाएंगे जी। ये सर जी, बिनौला खल में क्या लगता है, क्या अभी भी बिनौला खल में जो प्राइसेज हैं वो ऊपरी स्तर पर टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिनौला खल में हमने पहले आपके चैनल पर बताया था कि हम 4,000 का देख रहे हैं, फिर जनवरी में हमने देखा 3,400 का लेवल देखकर, फिर हमने बताया कि मार्केट 3,000 से 3,400 का जो दायरा है इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो वो हमने पूरे अप्रैल 20 तारीख तक तो हमने वैसा ही सीन देखा था। बट जिस ढंग से NCDEX के अंदर जो स्टॉक पोल था और जो क्वालिटी थी वो हल्के क्वालिटी के माल के लेवाल नहीं होने की वजह से हमने 3,000 का लेवल तोड़कर करीबन 225 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट दिखती थी। अब कहीं ना कहीं ये जो गिरावट की थी शार्प थी, किसी को कोई मौका ही नहीं बना कुछ पोजिशन बनाने की। लेकिन अपने ये हफ्ते से अगर हम देखें तो एक विचित्र माहौल बनते हुए देखा हमने एग्री के अंदर। आप देखिए, सोमवार को पूरा एग्री डाउन था, मंगलवार छुट्टी था, बुधवार को सारा काउंटर डाउन था, कल हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी, आज भी आप देखो सभी कमोडिटी में गिरावट है। इसके चलते कॉटन सीड ऑयल सीड में मुझे लगता है मार्केट एक साइडवे मोमेंटम देगा। बड़ी गिरावट जो होनी थी वो हो चुकी है। मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 दिन मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 2750 से लेकर 2950 के बीच में रहेगा। तो जैसे आज भी हमने दिन के सेशन में 2910 देखा, 3-4 दिन पहले भी हमने देखा 2900 तक का लेवल दिखाया, फिर गिरावट दे दिया। तो हमें लगता है ये 2750 से 2950 का जो दायरा है इसी दायरे में कॉटन सीड ऑयल के 20-25 पॉइंट तक ट्रेड करता हुआ दिखेगा जी। अजय जी, मसालों की बात करें तो यहाँ पर हमने मसाल में भी आज करेक्शन बनते हुए देखी है, जीरा, धनिया, हल्दी सभी मसाल में आज करेक्शन का दौर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये जो मसाल में करेक्शन आई है क्या अभी ये और नीचे जाने वाली है? देखिए, मसालों में भी हम तेजी पकड़ के चल रहे थे और फरवरी तक हम काफी तेजी में थे, जिसके बाद हमने प्रॉफिट बुक करा दिया था और उम्मीद थी कि मार्च अप्रैल में जैसे जैसे अराइवल आएगा प्राइस में गिरावट आएगा। बट उससे बड़ी वजह थी हमारा रिसेशन, जिस ढंग से हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर रिसेशन का जो माहौल बन रहा है ये काफी बड़ा काफी बड़ा मोमेंटम बन रहा था। अब हमें लगता है कि एक इन्फ्लेशन का और रिसेशन का जो खतरा है वो बनते जा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो एक्शन रहेंगे वो काफी सीवियर रहेंगे। मसालों के अंदर एक करेक्शन ड्यू भी था क्योंकि हमने मार्च ऑनवर्ड कंटिन्यू टीवी देखी थी, तो आई थिंक अभी तो ये करेक्शन स्टार्ट हुआ है जहाँ पे हमें लगता है जीरा 20,000 के नीचे 19,800 तक का लेवल दिखा सकता है, धनिया करीबन 10,500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो अगला 5-7 दिन मार्केट मंदी में रहेगा, उसके बाद कंसोलिडेट करता हुआ रहेगा, लेकिन तेजी जून मंथ से ही आते हुए दिखाई देगी जी। अजय जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने ग्वार में भी यहाँ पे ऊपरी स्तर से कीमतों में हल्की सी नरमी आते हुए देखी है। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार में यहाँ पर अभी और करेक्शन आएगी या अभी जो कीमतें हैं यहाँ से सीधा सपोर्ट ले जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रूड के भी जो प्राइसेस हैं उनमें भी तेजी है? देखिए, ग्वार कॉम्प्लेक्स में वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी करेक्शन आ जाए, मार्केट 6,000 का लेवल टेस्ट कर जाए, बट टाइमिंग हम देख रहे हैं कि सभी एग्री कमोडिटी में जो दबाव है इसका सीधा सीधा असर हमने गवार में भी पंथी में देखा है जी। तो थोड़ा सा स्टे अवे रहिए, मार्केट हो सकता है 5,850 तक का लेवल गवार सीड नई वायदा दिखा दे और गवार गम में भी 11,200 तक का लेवल गुंजायश है,
बट हमें लगता है अगले हफ्ते से गवाल में वापस रिकवरी बनेगी, जिससे यूएस के प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं और साथ में एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। टाइमिंग अब हम जो ये हफ्ते में खास करके देखा गया कि पूरे ही एग्री पैक के अंदर दबाव था, उसी के चलते हमने गवाल की जो गवाल कंपनी भी दबाव देता है जो थोड़ा और बढ़ सकता है, बट सोमवार ऑनवर्ड मुझे लगता है गवाल कॉम्प्लेक्स काफी अच्छा हो जाएगा लेके रखने के लिए। जी अजय जी, सोयाबीन की बात की जाए यहाँ पर, तो सोयाबीन पर सरकार ने हाल ही में पोल्ट्री उद्योग को जीएम सोयाबीन का आयात करने की परमिशन दे दी है, तो इसका असर अब ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए पहले भी हमने देखा जब जब इंपोर्ट होता है तब तक एक सेंटिमेंटल नेगेटिव मार्केट बनता ही बनता है, और ऐसा ही कुछ हाल हमने इस बार भी देखे हैं कि प्राइसेस के अंदर तेजी इसलिए है क्योंकि डिमांड, अब चाहे पॉलिट्री इंडस्ट्री की बात करें या प्रोटीन बेस्ड जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ रहा है। नॉर्मल हमारे यहाँ पे पिछले 3-4 महीने में हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर मस्टर्ड की सोइंग अच्छी होने की वजह से प्रोडक्शन अच्छा था और जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़े से कैप डाउन थे और गवर्नमेंट ने एक्शन भी जो लिए थे, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइसेस एक कंसोलिडेशन मूव करता हुआ ही दिखाएगा क्योंकि इंटरनेशनल में अभी भी सोयाबीन तेज है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जो ये इंपोर्ट गवर्नमेंट ने किया है उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर जरूर है बट वो टेम्पररी इंपैक्ट रहेगा। लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकते अभी एडिबल काउंटर, चाहे मस्टर्ड की बात करें चाहे सोया की बात करें, सभी एडिबल के अंदर हमने देखा कि कहीं ना कहीं ग्लोबल के जितने भी सेंट्रल ग्लोबल की जितनी भी इकोनॉमिक कंट्री है ये पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं एडिबल को प्राइसेस को नीचे लाया जाए जी। तो आई थिंक टेम्पररी प्राइसेस में जो सपोर्ट है वो थोड़ा बहुत दिख सकता है, बट हम जून जून बियॉन्ड देखेंगे तो सोयाबीन हो क्योंकि इसके सोइंग भी इस बार इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है तो मार्केट में प्रेशर वापस बनता हुआ दिख जाएगा। यही सर जी, अगर वीट की बात की जाए तो फूड सेक्रेटरी ने भी कह दिया है कि जिस हिसाब से भारत वीट का एक्सपोर्ट कर रहा है वो अनियंत्रित है, फैसला इम्बैलेंस देखने को भी मिल सकता है आगे जाके, कहीं ऐसा ना हो कि भारत को ही आगे इंपोर्ट करना पड़ जाए उनका ऊंचे दामों पर, तो ऐसे में अभी वीट के प्राइसेस क्या तेजी की ओर ही जाते रहेंगे? देखिए वीट में अगर देखें तो पिछले 2-3 सालों का हमारे बफर स्टॉक काफी अच्छा था और जिसके चलते ही गवर्नमेंट ने इस बार एक्सपोर्ट का डिसीजन लिया और हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट तो कम रहे हैं और ओपन मार्केट में या ट्रेडर्स अच्छे भाव में फार्मर्स को भी अच्छा भाव मिल रहा है जी। तो हमें लगता है कि नो डाउट ये चिंता इसलिए भी होती है कि दो चीज है, इस बार का हमारा प्रोडक्शन, सेकेंडली जो हीट वेव है इसकी वजह से हमने देखा कि वीट की यील्ड में भी ड्रॉप आना चालू हो चुका है। तो आई थिंक कभी भी जो फूड क्राइसिस होता है ग्लोबल मार्केट के अंदर तो वो कोई ओवरनाइट सिनेरियो नहीं बनता है, उसका एक लंबा इफेक्ट रहता है। तो हमने 2007-08 में भी देखा जब 2-3 साल तक ऐसा इफेक्ट रहा, तो उन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये चिंता जताई गई है और वाजिब भी है क्योंकि आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बट अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन में काफी कमी आ गई हो, तो आई थिंक थोड़ा सा चौकन्ना रहना जरूरी है। बट हाँ गवर्नमेंट चेक एंड मैच दोनों करके चल रही है, पर मुझे लगता है कि एक बार वीट के प्राइसेस में जिस दिन से एक्सपोर्ट खुले हैं और डिमांड इंटरनेशनल चल रही है, चाहे मिस्र से बोले, बांग्लादेश बोले या बाकी कंट्रीज से बोले, तो मुझे लगता है कि वीट के प्राइसेस में अभी भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। जी अजय जी, एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप? देखिए जिस दिन से पूरा मार्केट बीटन डाउन है तो मुझे लगता है 2 दिन आराम करना चाहिए, फिर भी अगर हमें लेके चलना है तो मुझे मेंथा ऑयल और कॉटन ये दोनों कमोडिटी आज भी अच्छी परफॉर्मिंग में है। मेंथा में हमने पिछले हफ्तों में गिरावट जरूर देखी थी बट अभी जो मौसम बिगड़ा है बाराबंकी संबलपुर वहां पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कड़क धूप की वजह से भी यील्ड में लॉसेस हो सकते हैं, जिसके चलते मेंथा 1075 पे लिया जा सकता है 1100 के टारगेट के लिए। वही कॉटन में हमने ऑलरेडी देखे फंडामेंटल काफी मजबूत है, स्लो एंड स्टेडली मार्केट मूव कर रहा है पॉजिटिवली, जिसमें के अभी 46,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, आई थिंक मार्केट में ये तेजी कंटिन्यू रहेगी जो 47,500 के लिए लिया जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे एग्री कम्युनिटीज की, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे बात करेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अजय जी से कि अब कि नॉन एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नेचुरल गैस से। अजय जी, आज हमने नेचुरल गैस को फिर से तेजी की ओर जाते हुए देखा है, इससे पहले भी नेचुरल गैस $8 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ चुकी थी, हम आज भी देख रहे हैं कि नेचुरल गैस $8 के ऊपर ही ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है ये जो नेचुरल गैस में जो प्राइसेस लगातार अब रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं
तो क्या यहाँ से जो प्राइजेज हैं अब यहाँ से शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा, या फिर अभी भी फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं जो नेचुरल गैस को और आगे लेके जाए? देखिए, नेचुरल गैस में अभी जो कंसर्न बन रहा है वो है रशिया और यूरोप का। हमने देखा यूरोप से स्टेटमेंट भी आए कि इमीडिएटली बैन का हमारा कोई विचार नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये एक्सक्लूसिव ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे रशिया ने डिमांड किया रूबल और गोल्ड के लिए, वो भी कंसर्न है। साथ में हमने देखा यूएस का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट तो यूरोप भी बढ़ते जा रहा है, बट अभी भी हम रशिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है टेक्निकली तो मार्केट ओवरबॉट है काफी क्लियरली, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। कल भी हमने देखा प्राइजेस के अंदर गिरावट आई बट वापस रिकवरी आता हुआ दिखाई दिया। तो टेक्निकली देखे तो 600 के ऊपर प्राइजेस कंटिन्यू होल्ड रहता है ना, तो 700 तक का लेवल या इंटरनेशनल के हिसाब से देखे तो 8.5 से लेकर 9 डॉलर तक का लेवल हम आराम से देख पाएंगे। तो मुझे लगता है फंडामेंटल अपनी जगह पे है, बट एज ऑफ नाउ वोलेटिलिटी मार्केट में कंटिन्यू बननी है, वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है। तो 600 के ऊपर काउंटर 680 से 700 तक का लेवल दिखाने की ताकत है। जी यही संजय जी, आज हमने क्रूड में भी तेजी बनती हुई देखी है। ब्रेंट क्रूड काफी दिनों के बाद $110 पर ट्रेड करता नजर आया है। आपको क्या लगता है चाइना की तरफ से डिमांड कम होने के बावजूद भी ये जो क्रूड में तेजी आई है ये क्यों आई है? देखिए, पहला चीज तो अगर हम देखें तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई डिस्पैरिटी चल रही है। तेजी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अदरवाइज हमने एक रेंज देखे तो 7500 से लेकर करीबन 8300 का जो दायरा है उसी दायरे में क्रूड मूव कर रहा है। तेजी का दो तीन कारण बोल सकते हैं हम लोग। एक पहला है कि जिस ढंग से रशिया का जो आउटपुट है उसके बाद आई उसमें ड्रॉप आया, और आई ने कहा भी है कि रशिया का जो आउटपुट है वो दूसरी कंट्री रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, तो वो एक शॉर्टेज बना हुआ है। सेकेंडली हमने देखा कि ओपेक मेंबर से उम्मीद थी कि और प्रोडक्शन वो बढ़ा दे, बट वैसा कुछ मेजरली हुआ नहीं जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिला है। और आज वैसे भी डॉलर में जो गिरावट है उसकी वजह से पूरे कमोडिटी मार्केट में सोना चांदी दोनों में तेजी है वो बने हुए हैं। बट हमें लगता है यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 83.50-84 का लेवल छूटा है और प्राइजेस में भारी गिरावट है। तो मुझे लगता है प्राइजेस का जो दायरा रहेगा वो अगर वॉल्टी की वजह से बढ़ गया तो बात अलग है, अदरवाइज 7500 से लेकर 85 का एक डॉलर रेंज है, इसी रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। जी यही सर जी, यूएस फेड ने भी इंटरेस्ट रेट्स में हाइक किया है और उधर आरबीआई ने भी रेपो रेट बढ़ा दिया है, तो इसका सर अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, जनरली जब भी रेट हाइक होता है तो कहीं ना कहीं बुलियंस में एक नेगेटिव दाना बनती है, और इनफैक्ट हमने पिछले 6 महीने से इतना सुना कि फेड रेट बढ़ा सकता है, उसी पे हम देखते थे सोने चांदी में काफी गिरावट लेती है। बट आई थिंक हम मार्केट काफी मैच्योर होता हुआ दिख रहा है और इसी पे असर है कि फेड की अपडेट के बाद हम प्राइस में उल्टा गिराव की जगह एक अच्छा खासा जंप देखे, या दूसरे लेन में हम बोल सकते हैं मार्केट में डिस्काउंट है। सभी को पता थी कि ये ऐसा होगा जिसके चलते हमें लगता है कि मार्केट मंदी से पॉजिटिव में आता हुआ दिखाई दिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट है डिमांड, क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन के चलते चाइना से भी डिमांड में ड्रॉप है, डोमेस्टिक मार्केट में भी देख रहे हैं कि थोड़ा इंक्वायरी जरूर है बट इतना ज्यादा कोई मार्केट में मूव नहीं आ पा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि 66,000 तक का लेवल बैर मिनिमम चांदी दिखा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।